Hi guys, welcome back to my channel. और आज के वीडियो पे I will be sharing with you a particular moisturizer का review. And ये वाला moisturizer जो है, इसके बारे में मुझे बहुत सारी चीजें add भी करनी है और subtract भी करना है. तो क्या क्या चीजें हैं जो मुझे इसकी अच्छी लगी और क्या क्या ऐसी चीजें जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई. मैं बुरी तो नहीं बोलूंगी, बट देर आर सम कॉन्स. लाइक एवरी ह्यूमन, एवरीथिंग अंडर दिस यूनिवर्स डज हैज. सो दैट इज वॉट आई एम सेइंग कि इसमें कुछ कॉन्स भी होंगे, कुछ प्रोस भी होंगे, तो हम सब दोनों डिस्कस कर लेंगे. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. सो गाइज, आप मुझे बताना दैट हाउ एम आई टुडे लुकिंग, बिकॉज मैं इतनी डेक्ड अप यूजली नहीं आती हूँ फॉर रेगुलर वीडियोज, रेगुलर रिव्यू वीडियोज. बट नाउ दैट इट इज यू नो लाइक फेस्टिव सीजन इज ऑल इन फ्रंट ऑफ अस, इट्स लाइक जस्ट टचिंग आवर डोर. सो आई जस्ट थॉट कि मैं थोड़ा सा ग्लैम अप भी हो लूँ. आई एम ऑल्सो इन दैट फेस्टिव मूड. सो या आई एम यू डेक्ड अप इन फ्रंट ऑफ यू. एंड आज के वीडियो पे आई विल बी शेयरिंग विथ यू द रिव्यू ऑफ हाइफन ऑयली स्किन मॉइस्चराइजर, विच इज दिस वन. ओके, सो गाइज, ये मॉइस्चराइजर हाइफन ब्रांड से है, विच इज ऑल्सो को ओन्ड बाई कृति सैनन, दी बॉलीवुड एक्ट्रेस. वो मुझे एज अ पर्सन शी इज़ वेरी हम्बल काइंड, मुझे ऐसी लगती है. आई हैव नेवर मेट हर इन पर्सन, बट आई ट्रूली एडमायर हर. लाइक आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, शी इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर. सो समहाउ एक वो होता है ना कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी शी हैज़ यू नो लाइक एक आपका पढ़ा लिखा है. सो शी हैज़ दैट क्रिएटिविटी साइड विच यू नो लाइक आई एडमायर अलॉट. सो या लाइक I like her a person as an actor as well as a human as well. So she has started this brand, like co-owned this brand. I guess like correct me if I'm wrong, but I think it is co-owned by M Caffeine as well. So M Caffeine and Kriti Sanon both have made you know like co-owned brand, and that is called Hyphen. Okay. अब इस ब्रांड के बारे में तो मैंने आपको एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया. ये ब्रांड आई गेस एक साल पहले रिलीज हुआ था, एंड दैट गॉट मेनी अटेंशन ऑन इंस्टाग्राम मोस्टली. यूट्यूब में या फिर उतना इसका यू नो लाइक बोलचाल नहीं था, इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था, बट इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा ये फेमस था. सो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आई सॉ कि ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा इसको मतलब यू नो they are trying it out and they are getting it on PR as well. They are having this marketing thing also going on, जैसे हर product की होती है guys. So ये अगर brand अच्छा है, ये product अगर अच्छा है, तो obviously everybody will rave about it, everybody will buy it. Okay, so coming back to the point कि ये कैसा काम करता है and क्या करता है. सो गाइज, टॉकिंग अबाउट दिस मॉइस्चराइजर, ये आपको 50 ml में आ जाता है, मिल जाता है. इसका छोटा साइज भी अवेलेबल नहीं है और इसका बड़ा साइज भी अवेलेबल नहीं है, विच इज़ अ बमर टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट ना, मुझे ऐसा लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएगा कि कोई भी प्रोडक्ट ना आपको अगर स्मॉल साइज में मिल जाता है जस्ट फॉर टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, रैश तो नहीं है, तो वो ईजी होता है, राइट. बट एट द सेम मोमेंट अगर आपको बड़े साइज में अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया, तो 50 ml भी कम लगने लगेगा, एंड देन यू विल थिंक कि यार इससे बड़ा साइज का अगर मुझे मॉइस्चराइजर मिलता तो वाई नॉट. ओके, सो इन दोनों रीजन की वजह से आई विल गिव इट साइज जो अवेलेबिलिटी है उस पर मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा मैं इसमें पॉइंट काट रही हूँ. हालांकि 50 ml इज अ स्टैंडर्ड मॉइस्चराइजर के साइजेस, 50 ml इज डिसेंट. ओके, अब इसकी अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ, अगर आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, आप बताना. ओके, तो ये ना ऐसे, सो एज इट इज ऑफ ग्लास पैकेजिंग, तो आप इसको ट्रैवल पे ले नहीं जा सकते हो. अगर आपको इसके अंदर का यू नो लाइक जो प्रोडक्ट है, जो मॉइस्चराइजर है, उसको अगर आपको लेना होगा, तो आप किसी प्लास्टिक जार पे या प्लास्टिक पता नहीं कैसे कंटेनर पे आप इसको लेके कर सकते हो. ठीक है, आप ट्रांसफर करते हो एंड देन यू कैन कैरी इट फॉर योर ट्रैवलिंग. बहुत लाइट वेट नहीं है, इट्स अ स्टडी ग्लास, बट स्टिल ये ग्लास है, राइट. सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आप इसको लेके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, काफी देर से ये बेचारा दबा हुआ है कहीं पर, तो देर इज अ चांस कि ये क्रैक हो सकता है. तो वाई डू वी नीड टू टेक दैट चांस, राइट. सो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इसको ट्रैवल में लेके जा रहे हो, तो जस्ट पोर इट टू अ प्लास्टिक कंटेनर, जार टाइप का छोटा जो आता है ट्रैवल साइज, आप उसमें पोर करके आप ले जा सकते हो. ठीक है, तो ये था
ट्रैवल के बारे में मैंने आपको बताया, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग ट्रैवल भी करेंगे, अभी विंटर्स आ रहे हैं तो वेकेशंस वगैरह पे भी लोग जाएंगे, सो दैट्स द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ट्रैवल पर्टिकुलरली. ओके, नेक्स्ट चीज मैं इसमें आपको ये बता रही हूँ कि इसका पैकेजिंग काफी नियोनिश कलर का है, विच इज वेरी यूनिक. यूजली मैंने नहीं देखा है कि नियोन कलर के पैकेजिंग में कुछ स्किन केयर आते हैं, राइट? सो इसको जब आप खोलोगे तो ये इस टाइप का कुछ पैकेजिंग आप देख सकते हो, ऐसा है. ठीक है, ये यहाँ से नॉजल है तो आप यहाँ से प्रेस करोगे, सो दैट इज हाउ द पैकेजिंग इज ऑल ओवर. एंड पीछे आपको सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है कि कब मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है, कब एक्सपायरी है. मैं आपको ये बता दूं, इसमें दो साल की आपको दो साल की आपको एक्सपायरी डेट मिल जाती है, विच इज अक्टूबर 23 में ये बना हुआ है, 9/25 में ये एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है, सो एक्चुअली उसी टाइम पे ये रिलीज हुआ था, लॉन्च हुआ था, लाइक लास्ट ईयर अक्टूबर में. मैं आपको 50 ml, तो भाई आप अगर रेगुलरली लगाओगे तो शायद एक महीने या दो तीन महीने में ये खत्म हो ही जाएगा. ठीक है, तीन महीने से ज्यादा आपको नहीं वेट करना होगा टू फिनिश इट ऑफ. सो दो साल तो बहुत ज्यादा आपको मिल गया. ठीक है, सो एक्सपायरी डेट वाइज भी मुझे ये सही लगा. ओके, इसका नाम मैं आपको पूरी तरह से बता दूं, बैरियर केयर क्रीम, BCC क्रीम इसको बोला जाता है, एंड इट्स फ्रॉम हाइफन. एंड इसमें है सेरामाइड्स है, पेप्टाइड्स है, स्क्वालेन है, ओट मिल एक्सट्रैक्ट है, एंड दिस इज फॉर ऑयली स्किन. इसका आपको ड्राई स्किन वाला भी मिल जाएगा, अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा फ्लेकी और एकदम फटने वाली, अभी स्पेशली जो विंटर्स आ रही है तो उसमें आपको वो काफ़ी काम आ सकता है अगर आपकी ड्राई स्किन है. मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, इसीलिए मैंने ये ऑयली स्किन वाला वेरिएंट लिया. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है. मेन इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बताया, सेरामाइड्स है. सो सेरामाइड्स बेसिकली करते क्या है कि आपके स्किन का जो एक लेयर होता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत जल्दी से रिकवर नहीं होता है. अगर आपको पिंपल हो गया, अगर आपको अगर झाइयाँ हो गई हैं, आँख की प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी इस टाइप के अगर प्रॉब्लम्स है स्किन पे, कुछ भी होता है, ठीक है, एक बेसिक मैं बोल देती हूँ, अगर जैसे दाने निकल गए, रैशेस हो गए, आपको कुछ भी हो रहा है, वो इजिली ठीक नहीं होता है, देन योर स्किन बैरियर इज डैमेज्ड. ओके, सो स्किन बैरियर को रिपेयर करने वाला कौन सामान होता है, दैट इज सेरामाइड्स. ईजिएस्ट वे में मैं आपको बता रही हूँ, सो दैट इज सेरामाइड्स. अब इसमें सेरामाइड्स के साथ साथ पेप्टाइड्स भी गिवन है. पेप्टाइड्स आर वेरी गुड फॉर रीजनरेशन ऑफ योर स्किन. ठीक है, जैसे आपने रेटिनॉल का नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइप में है वो, यू नो लाइक एंटी एजिंग के लिए, रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए, ओवरऑल एक ग्लो के लिए, इवन एक्ने के लिए भी लोग रेटिनॉल, ट्रेटिनॉइन वगैरह यूज करते हैं, उसी की तरह, बट इट इज अ माइल्डर फॉर्म आप बोल सकते हो. तो पेप्टाइड्स वगैरह आप जब यूज करोगे तो रेटिनॉल की तरह ही वो थोड़ा बहुत काम करता है, बट इट इज सेफर. ओके, जैसे रेटिनॉल बोला जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में हो, अगर आप लैक्टेटिंग हो, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हो, तो आप रेटिनॉल मत यूज कीजिए. ठीक है, सो दैट इज नॉट सेफ, अनलेस आपकी गायनेकोलॉजिस्ट उसको रेकमेंड करती है तो अलग बात है, बट इन जनरल आपको नहीं यूज करना चाहिए. इन दैट केस आप पेप्टाइड्स के साथ जा सकते हो, दे आर मोस्टली सेफ, बट स्टिल आपको कुछ भी अगर जब आप दैट प्रेगनेंसी टाइम इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी सेंसिटिव फॉर योर बॉडी एंड माइंड एंड एवरीथिंग, सो यू नीड टू आस्क टू योर डॉक्टर कि मैं ये वाला पर्टिकुलर स्किन केयर यूज कर सकती हूँ कि नहीं, ये वाला मेकअप यूज कर सकती हूँ कि नहीं, सो इट बिकम्स बिट क्रूशियल एट दैट टाइम. ओके, सो मैं उसी चीज पे आपको बोलूँ कि ये भी अगर आप यूज करना चाहते हो, इफ यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ थ्रू योर प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग, यू आस्क योर डॉक्टर दैट आप ये यूज कर पाएंगी या नहीं. ठीक है, और मैन तो कभी भी इसको यूज कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म. रीजनरेशन में काम आता है, ठीक है, आपके न्यू स्किन सेल्स जो होते हैं वो लाने में मदद करता है, और सेरामाइड्स जो है आपके स्किन का जो एक बैरियर होता है उसको स्ट्रेंथन करने में मदद करता है. इट्स बेसिकली लाइक अगर आपके घर का दरवाजा है, ठीक है, और वो टूटा हुआ है तो आपको डर लगेगा ना कि चोर वोर घुस जाएगा, राइट? सो अगर आपका जो घर का दरवाजा है उसको आप अच्छे से लॉक करके रखिएगा, अच्छे से मजबूत वाला दरवाजा आपके घर का होगा, सो ऑब्वियसली व्हाट विल यू थिंक कि अब तो आई एम ऑल सेफ और मुझे कोई भी तरीके का डर नहीं है कि चोर आ जाएगा एंड ऑल दैट. तो वो सेफ्टी आपका फील कर रहे हो जब आपके घर के दरवाजे अच्छे से लॉक्ड है, राइट? सेम सेरामाइड्स का भी काम है आपके स्किन के लिए. आप स्किन में कुछ भी यूज करेंगे ना, जैसे HA BHA यूज करते हो, जो लोग रेटिनॉल काफी यूज करते हैं, ट्रेटिनॉइन यूज करते हैं, ठीक है, बट वो सब आप मान लो कि चोर है, ठीक है, बट अगर आपका जो घर का जो दरवाजा है अगर वो स्ट्रांग नहीं रहा
इट इज वेरी इजी टू सेंसिटाइज योर स्किन. सो दैट इज द रीजन आई एम सजेस्टिंग कि अगर आपका स्किन बैरियर खराब हो चुका है, जिनका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होता है, फ्लेकी स्किन होता है, एकदम इचिंग होता है, खुजली होने लगती है स्किन पे कि भाई क्या है, बहुत खुजली हो रही है एंड ऑल दैट. सो इफ दैट काइंड ऑफ स्किन यू हैव, देन यू मस्ट ट्राई सेरामाइड्स. ओके, और पेप्टाइड्स तो उसके साथ एडिशनल अगर आ गया तो दैट इज यू नो लाइक चेरी ऑन द केक. सो वो तो उसके साथ एडिशनल अच्छा ही काम कर जाएगा. ओके, सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि इसका टेक्स्चर कैसा है, एंड लास्टली आई विल टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस एंड द प्रोज एंड द कॉन्स दैट आई फेल्ट विद दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर. इसका कॉस्ट मैं आपको उससे पहले बताता हूँ, दिस कॉस्ट अराउंड 400 to 450, अराउंड 404 ऐसे ही कुछ कॉस्ट है, 449 है. ओके, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है इट इज 449, बट आई गॉट इट ऑन 404 rupees. आपको इसमें डिस्काउंट मिलते ही रहेगा. सो आप कहीं से भी परचेज करें, अमेजोन, नायका, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इवन हाइफन के अपने वेबसाइट से, आप ऑफलाइन नहीं मिलेगा, मैं ये बता दूं आपको. आई डोंट नो कि अगर पर्टिकुलर किसी स्टोर पे अगर मिल जाए आपको, बट मोस्टली आई हैव सीन कि ये ऑनलाइन ही आपको मिलता है. ठीक है, सो इट इज राइट नाउ इट इज अ स्मॉल ब्रांड, बट आई एम थिंकिंग कि धीरे धीरे ये लोग ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं. रिसेंटली दे लॉन्च्ड अ मिनरल सनस्क्रीन ऑल्सो, सन मिल्क नाम से. सो आई एम यू नो लाइक आईंग ऑन दैट पर्टिकुलर सनस्क्रीन. सो इफ आई परचेज समडे तो मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगी. सो दैट इज वॉट आई एम सेइंग कि ये अफोर्डेबल, बिकॉज एट 400 rupees आपको 50 ml मिल रहा है, एंड दैट टू इट कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइड प्लस सेरामाइड्स. ओके, लाइक हु ऑन अर्थ गिव्स यू लाइक दैट. ओके, सो दैट इज द रीजन मैं ये बोलूंगी कि बेस्ड ऑन इट्स इंग्रीडियंट, ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में और भी सेरामाइड मॉइस्चराइजर या पेप्टाइड मॉइस्चराइजर्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बट इस कॉस्ट प्राइस में मिलना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, विच इज अंडर 500, अंडर 400, ऐसा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सो कमिंग टू द टेक्स्चर. सो टेक्स्चर बेसिकली ये यहाँ से इसका ओपन होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ से ओपन होता है. सो आई जस्ट शो यू हाउ इज द टेक्स्चर. यहाँ पे मैं ले रही हूँ, अब देखो. ठीक है, सो इसका टेक्स्चर मैं आपको बता दू, इट्स वेरी क्रीम प्लस जेल लाइक. ओके, आप देखो क्रीम प्लस जेल लाइक है, एंड जब आप इसको ब्लेंड करते हो ना तो ये ऐसे वाटरी टेक्सचर पे आ जाता है. आप देख रहे हो ऐसे, ये एकदम एलोवेरा जेल काइंड ऑफ टाइप में ये कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट इट, कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, एंड फॉर ऑयली स्किन दिस इज सो गुड. ओके, कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, आप समर्स में भी लगा सकते हैं, आपको ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं फील करवाएगा. नाउ there are certain things which I want to tell you. Okay, अब इसका मैंने आपको टेक्स्चर दिखा दिया, ये बहुत ही जल्दी से मेल्ट भी हो जाता है. सो इट इज, ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है. तो आई डोंट नो कि आपको क्या पहले सुनना है, प्रॉब्लम्स या फिर बेनिफिट्स. मैं पहले इसके बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ. सो आप काउंट करते रहना कि कितने नंबर ऑफ बेनिफिट मैं बता रही हूँ. सो सबसे पहले मैं एक चीज आपको इसमें मेंशन कर देती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट में आलमंड ऑयल काफी ऊपर दिया हुआ है. ओके, सो अगर आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना आता है तो आपको पता होगा, मैं यहाँ पे इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो. सो इसमें आलमंड ऑयल काफी ऊपर है. ओके, नाउ आलमंड ऑयल इज कॉमेडोजेनिक, बट ये दावा कहता है कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक है. सो इट इज बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, राइट. तो इसके जो प्रोज है मैं वो आपसे सबसे पहले बता देती हूँ. इसमें सेरामाइड्स है, इसमें पेप्टाइड्स है, ओट ऑयल है, एज वेल एज क्वालिन है, जो कि ऑयली स्किन अगर आपकी है तो बहुत ही अच्छा काम करने वाला है. सेरामाइड्स आपके स्किन के बैरियर को अच्छे से रिपेयर करेगा. अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है जैसे कि मेरी है, तो उसको भी, अगर आपके एक्ने आ चुके हैं तो उसको रिपेयर करने में मदद करेगा. अगर आपके एक्ने जा ही नहीं रहे हैं, उसके स्कार्स वगैरह है, जो रेड स्कार्स हो जाते हैं, जो ब्राउन स्कार्स हो जाते हैं, वो भी जाने में ये जल्दी जल्दी रिकवरी में काम करता है. ठीक है, एंड पेप्टाइड्स है तो ऑब्वियसली स्किन रीजनरेशन में भी ये काम करता है. सो उसमें तो आपको ये कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला है. ओके, एज वेल एज इसमें स्क्वालिन है, इसमें ओट ऑयल है, तो अगर आपकी बहुत इरिटेटेड स्किन रहती है, एक्ने की वजह से हो सकता है, ब्लैकहेड व्हाइटहेड की वजह से हो सकता है, मोस्टली अगर पेनफुल पिंपल वगैरह आपको है तो डेफिनेटली आपकी स्किन काफी ज्यादा इरिटेटेड रह सकती है. इन दैट केस ऑल्सो सेरामाइड्स प्लस पेप्टाइड्स प्लस क्वालिन ओटमील, इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, और इसकी पैकेजिंग भी काफी लग्जूरियस है. इसको जब ऐसे पकड़ो ना तो ऐसे लगता है कि ओ गॉड, पता नहीं मैंने क्या, लाइक पता नहीं 5-6 हजार का
सामान पकड़ा होगा, बट इट्स ओनली 400 गाइस, बट इट हैज दीज क्वालिटीज, ओके, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स. तो अभी मैं आपको प्रोज में आ जा रही हूँ, ठीक है. लेट्स कीप इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. दैट इज कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में ना सेरामाइड्स और पेप्टाइड्स के वजह से ना क्या होता है कि अगर आपके एक्ने हो गए, मुझे रिसेंटली यहाँ पे बहुत, अभी भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक दो स्कार्स है, दे हैव बीन लाइट, बहुत ज्यादा लाइट हो चुके, इतना बड़ा यू नो लाइक टमाटर जैसा पिंपल हो चुका था. एंड आपने प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो पे नोटिस करा होगा कि बहुत ही बुरा हाल था मेरे इस पिंपल का, एंड इट वॉज पेनफुल एक्चुअली. तो जो पिंपल के लिए मैंने करा यू नो लाइक BHA वगैरह, सैलिसिलिक एसिड लगाना, वो सब तो मैंने किया, बट आफ्टर सैलिसिलिक सीरम ना मैं ऑर्डिनरी वाला सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज करती हूँ, जो मैंने आपसे शेयर भी करा है मेरे प्रीवियस वीडियोज में. उसके बाद मैंने इस मॉइस्चराइजर को यूज किया बिकॉज आई वॉन्टेड अ मॉइस्चराइजर विच इज नॉट ओनली अ नॉर्मल मॉइस्चराइजर, अ बेसिक जस्ट लाइक मॉइस्चराइजर, बट आई वॉन्टेड जो कि हील करे मेरे एक्ने या एक्ने स्कार को फास्ट. एंड फॉर दैट दिस हाइफन सेरामाइड वाला मैंने परचेज किया स्पेशली फॉर हीलिंग माई स्किन फास्टर, ओके, बिकॉज एज यू नो अभी फेस्टिव सीजन इतनी सामने आ चुकी है और मुंह पे पिंपल लेके कौन घूमने जाता है, ठीक है. तो इसी रीजन से मैंने इसको परचेज किया. सो इट हैज वर्क्ड वंडरफुली फॉर मी, स्किन को हील करने में बहुत फास्ट इसने काम किया, ओके. मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 या 3 दिन में मैंने डिफरेंस देखा है कि AHA BHA लगा के जो सैलिसिलिक एसिड मैं लगा रही थी उससे मेरा पिंपल तो दब गया, बट उसके जो यू नो लाइक आसपास का जो स्किन होता है और फिर स्कार्स हो जाते हैं वो जाने में तो पता नहीं कितने साल और कितने महीने लग जाते हैं, ठीक है. अगर आप एक्ने प्रोन स्किन हो तो आपको पता होगा ये चीज, ठीक है. इन दैट केस ना ये बहुत अच्छे से मेरे ऊपर काम कर गया, ओके. सो मैं इसको सुबह भी लगाती थी और रात को भी लगाती थी, एंड सुबह इसके बाद मैं नॉर्मल मेरा जो डर्माको वाला सनस्क्रीन है मैं उसको अप्लाई करती थी, वो भी आपसे मैंने शेयर करा है उसका रिव्यू. सो ऑल इन ऑल माई रूटीन वॉज वेरी गुड इन रिमूविंग दिस स्कार्स एज वेल एज पिम्पल एवरीथिंग. बट अब इसके साथ एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है, सिर्फ वन एंड ओनली वन प्रॉब्लम, एक्चुअली 2 प्रॉब्लम है, ठीक है, बट दूसरा वाला फिर भी मैं कंसिडर करती हूँ कि ठीक है चलो उसको माफ कर देते हैं. बट एक प्रॉब्लम मुझे इसके साथ ये लग रही है कि ये आई डोंट नो, आप अगर यूज किए हो इस चीज को तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे स्किन टाइप को ऐसा सूट कर रहा है, यानी आई डोंट नो. सो हो क्या रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको. इसके साथ क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा कि स्पेशली जब मैं सुबह इसको लगा रही हूँ, रात को भी हो रहा है बट सुबह जब मैं इसको लगा रही हूँ एंड आफ्टर दैट इफ आई एम गोइंग आउट या फिर नहीं भी, अगर मैं घर पे भी रह रही हूँ इसको अप्लाई करने के बाद, व्हाट आई एम सीइंग कि मेरी जो स्किन है ना वो काफी डल लग रही है, ओके. लाइक आई हैव यूज सिंपल का मॉइस्चराइजर, आई हैव यूज लैक्मे का मॉइस्चराइजर, आई हैव यूज डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर, इन सब के रिव्यूज आएंगे, डोंट वरी. बट उनके साथ ये प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा, ठीक है. मैंने पॉइंट सुपरलाइट जेल भी बहुत साल यूज किए, उसमें भी मुझे ये डिफरेंस नहीं दिखा कि मॉइस्चराइजर लगाते ही आपके स्किन जो है वो थोड़ा सा डल और डार्क हो जाता है. आई डोंट नो इसमें ऐसा क्या है जो ऐसा कर रहा है. हालांकि अगर इसकी मैं वर्क बोलूं तो डेफिनेटली इसका सेरामाइज जो है मेरी स्किन काफी ज्यादा स्मूद हो गई है, ठीक है. लाइक इफ आई टच तो बहुत ज्यादा स्मूद हो गई है, नो डाउट. लाइक आई एम नॉट इवन स्क्रबिंग, ओके. जो पिक्सी ग्लो टॉनिक वगैरह मैं लगाती हूँ कि स्मूद हो जाए स्किन, उस वो भी मैं यूज नहीं कर रही हूँ, वो भी मेरे पास अभी है ही नहीं, ठीक है, खत्म हो चुका है वो, अभी सेल में मुझे वो खरीदना होगा. सो इवन इफ आई एम नॉट अप्लाइंग दैट ऑल्सो ना, ये मेरे स्किन को काफी ज्यादा स्मूद रखने में, स्मूद और सपल रखने में, हाइड्रेटेड रखने में बहुत मदद कर रहा है. स्किन काफी ज्यादा ग्लोई भी लग रही है, आप देख सकते हो अभी तो, हालांकि मैंने मेकअप करा हुआ है बट आई हैव नॉट डन द बेस मेकअप. कैन यू इमेजिन इट, आई हैव नॉट डन द बेस मेकअप, ठीक है. उसके बाद आई एम सेइंग यू कि दिस हैज वर्क्ड वंडरफुली फॉर ओवरऑल ग्लो, ओवरऑल यू नो दैट हाइड्रेशन, ओवरऑल आपके स्किन को हील करने में. अगर आपको स्कार्स है, ड्राइनेस है या एक्ने है, एक्ने प्रोन स्किन है, उसके लिए भी ये काम कर जाएगा. सो ओवरऑल इट इज अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है. बस एक मुझे वो प्रॉब्लम लग रहा है कि यार इसमें ये जब भी मैं लगाती हूँ ना तब भी स्किन जो है वो डल हो जाता है, डार्क हो जाता है. इट्स लाइक आप पॉन्स का वो कोल्ड क्रीम आता था ना बहुत सालों पहले, लाइक दादी नानी भी यूज करती थी, आज भी आता है,
सो अगर आप उसको लगाओगे ना विंटर्स में जस्ट बिकॉज कि आपकी स्किन ड्राई लग रही है, तो आप देखना कि आपकी स्किन काफी डल और ऑयली स्टिकी अजीब सी हो जाती है। हालांकि इसके साथ बिल्कुल भी स्टिकीनेस के मामले नहीं है, इसमें आलमंड ऑयल होने के बावजूद भी इट इज टोटली नॉन स्टिकी, इसका मैं आपको दावा कर सकती हूँ। द मोस्ट ऑलिएस्ट पर्सन वो भी इसको यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। लगाते वक्त आपको थोड़ा सा थिकनेस फील हो सकता है, एक फिल्म टाइप का फील हो सकता है, बट एज इट गेट्स मेल्ट डाउन, एज इट गेट्स ब्लेंडेड, आपको टोटली वाटर एकदम एलोवेरा जेल और इसमें मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखा, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग एंड ब्लेंडिंग इट वेरी वेल ऑन माई स्किन। सो स्टिकीनेस नहीं है इसमें, बट जब भी आप इसको अप्लाई करोगे, अगर किसी ने ट्राई किया तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मैंने ये यूज करा एंड मुझे ये डार्क लग रहा है, ओके, लाइक डल एंड सैड टाइप का स्किन लग रहा है, ठीक है। सो ये एक्सपीरियंस मेरा किसी भी और मॉइस्चराइजर के साथ मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा है, बस पॉन्स का कोल्ड क्रीम के साथ मैंने करा था कभी बचपन में, बट इसके साथ तो दैट इज लाइक सेकेंड टाइम आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। बस इसी रीजन से मुझे ना दिन में ये लगाना पसंद नहीं है, बिकॉज आप दिन में लगाओगे फिर आप कहीं पे जाओगे या फिर ऊपर पे आप मेकअप करोगे, तो आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन में लगा के फिर डार्क और डल अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस आप रात को लगा सकते हो, रात को ये बहुत अच्छी तरीके से, इवन इफ अगर डल एंड डार्क लग भी रहा है ना, काम तो अच्छा करता है, ठीक है, बस लुक वाइज एस्थेटिकली इट इज़ नॉट प्लीजिंग, मुझे ऐसा लगा। तो आप इसको रात को लगा सकते हो, ये ऐसे एम पी एम आप दोनों टाइम पे लगा सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डलनेस, उसके वजह से आप रात को इसको लगा के आप सो जाओ, कौन आपको दिख रहा है। बट अगर आप सुबह लगा रहे हो, अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो इसको लगाना थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे पर्सनली, लाइक इट टेक्स माई स्किन शेड 1 to 2 शेड्स डार्कर, ओके, इट्स वेरी वियर्ड थिंग आई एक्सपीरियंस्ड विद दिस। तो या आई डोंट नो, आई एम स्टिल ट्राइंग कि ऐसा ना हो, बिकॉज आई रियली लाइक्ड दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर विद रेस्पेक्ट टू इट्स वर्क, ठीक है। ये सेरामाइड और पेप्टाइड लेके जो ये काम करता है ना, ओ गॉड, दैट इज लाइक अनमैचेबल, ठीक है, अनमैचेबल। बट वही चीज है, इट्स नॉट एस्थेटिकली प्लीजिंग टू मी। तो या दैट वॉज वन थिंग। और एक छोटा सा कॉन है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, विच इज कि ये जब भी आप लगाओगे ना, ये इतना ज्यादा, मैंने आपको दिखाया अभी टेक्सचर, कि बहुत ज्यादा ये वॉटरी टेक्सचर है, ओके। सो वॉटरी टेक्सचर होने की वजह से क्या होता है कि कभी कभार ऑयली स्किन को भी ना, जस्ट बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव्स वगैरह यूज करते हैं, तो स्किन हमारी थोड़ी ड्राई हो जाती है। हो सकता है ये सेरामाइड्स अपनी काम अच्छे से कर रहा होगा, बट एक ऑक्लूसिव की बात आती है ना, तो ये उतना मुझे ऑक्लूसिव के हिसाब से अच्छा नहीं लगा। इट्स लाइक अगर आपने सेबामेड का क्लियर जेल यूज किया होगा, अगर आपने एलोवेरा जेल यूज किया होगा, हाउ डज इट फील ऑन योर स्किन, कि एक पतला सा, यू नो, लाइक क्लियर भी नहीं है, एकदम वाटरी टेक्सचर टाइप। तो ये इतना ज्यादा इन्होंने पतला बना दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयली स्किन, कि ये बिल्कुल भी एक फिल्म नहीं रखता है। इसमें डायमेथिकॉन नहीं है, मे बी आई एम वेरी यूज टू विद डायमेथिकॉन वाले के रीजन से मुझे लगता है कि यार ये फिल्म क्यों नहीं बना रहा है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन मुझे थोड़ा सा नॉन मॉइस्चराइजिंग लगा। हाइड्रेटिंग है नो डाउट, बट ये मॉइस्चराइजेशन में मुझे थोड़ा सा कमी लगा, लाइक देयर इज नो ऑक्लूसिव, ओके, यू गेट द डिफरेंस, राइट। सो दिस इज सो फ्रिकिंग लाइट वेट, मैं आपको बता नहीं सकती, एंड इतना लाइट वेट होने की वजह से दिस इज टोटली गुड फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। इसने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, इरिटेट नहीं किया, कोई भी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, कॉमेडॉन्स, पिम्पल्स, ये सब कुछ भी मुझे नहीं था, जो था रादर उसको इसने ठीक कर दिया। मैं सिर्फ अभी लास्ट आई गेस 15 to 20 डेज में इसको यूज कर रही हूँ, एंड देन आई एम सिटिंग हियर रिव्यूइंग दिस प्रोडक्ट, एंड ऑनेस्टली मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ओके, इसमें ना फ्रेग्रेंस भी है, ठीक है। अब ये फ्रेग्रेंस आपको मैं कैसे समझाऊं, इट्स लाइक लॉरियल के फेस वॉशेस में इस टाइप का फ्रेग्रेंस होता है। अगर आपने लॉरियल का ग्लाइकोलिक एसिड का फेस वॉश या सीरम वगैरह आपने यूज करा होगा, आई हैव दैट फेस वॉश, ओके, सो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। तो उस टाइप का है, थोड़ा सा फ्रेश है, एल्कोहलिक काइंड ऑफ, जैसे कोलोन टाइप का होता है ना, मेंस कोलोन वगैरह पे वैसा टाइप का इसका फ्रेग्रेंस है। सो अगेन, इफ यू आर फ्रेग्रेंस इरिटेंट वाले इंसानों की दिक्कत हो जाती है, तो आप इसको बिल्कुल मत यूज करना, बिकॉज द फ्रेग्रेंस इज क्वाइट प्रोमिनेंट,
ठीक है, या फिर आप अगर यूज करना भी चाहते हो तो आप पैचेस जरूर कर लेना यहाँ पे बिहाइंड योर ईयर्स, या फिर आप यहाँ पे एल्बो भी कर सकते हो. सो उससे ऑब्वियस सी बात है कि आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वेदर दैट यू नो इट वर्क्स फॉर यू और नॉट. ठीक है, सो आई गेस प्रोज तो मैं क्या बताऊँ, इट परफेक्टली सूट्स माई स्किन एंड इसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बहुत फास्ट रिकवरी दिया है स्किन के सेल्स को, एंड स्किन बैरियर मेरा काफी स्ट्रांग हो गया है इसको यूज करने के बाद से. बट एक ही चीज है कि ये डार्क और डल कर देता है, और दूसरा है कि इसमें फ्रेग्रेंस बहुत हाई है. अगर आप हो वैसे तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इसको परचेज कीजिएगा. और थर्ड चीज, एज आई मेंशन कि इसमें ओक्लूसिवनेस मुझे उतना खास फील नहीं हुआ. हालांकि हो सकता है इसका ड्राई स्किन वाला वर्जन जो है उसमें हो सकता है कि आपको ओक्लूसिव फील हो. और इसमें आलमंड ऑयल भी है. सो बहुत किसी लोगों को मैंने रिव्यू जितना पढ़ा समझा कि उनको क्लोज कॉमेडॉन्स या एक्ने वगैरह भी हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो लाइक आलमंड ऑयल होने की वजह से. वो आई वुड से कि कौन दो है, सॉरी तीन कौन है, और तीन प्रोज भी है कि ये बहुत फास्ट रिकवरी कर देता है, स्किन में ग्लो लाता है, एंड एज वेल एज इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, और आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए भी नहीं. ठीक है, सो इट विल गो अराउंड 2-3 महीने आपका ये इजिली चला जाएगा. सो दैट इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर गाइज. हालांकि मुझे ये मॉइस्चराइजर काफी ज्यादा पसंद आया. अगर आपको ट्राई करने का मन हो, बिकॉज दिस इज वेरी अफोर्डेबल, सो इफ यू वॉन्ट टू जस्ट ट्राई इट आउट, आप ट्राई भी कर सकते हो. मैंने भी इसको एज अ ट्रायल बेसिस पे लिया था कि ठीक है 400 रुपए ही है, अगर इतने सस्ते में अगर मुझे सेरामाइड पेप्टाइड्स मिल जा रहे हैं तो वाई नॉट. यूजली बहुत सारे कॉस्टली होते हैं बाकी सेरामाइड पेप्टाइड्स वाले मॉइस्चराइजर्स, एंड दिस इज माई वेरी वेरी ऑनेस्ट रिव्यू. सो या अगर आपको ये परचेज करना है तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी. सो आप वहां से चेकआउट करके खरीद सकते हैं. एंड या हैप्पी फेस्टिविटीज, आप अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो पे. बाय गाइज़.